रघुनाथ जी लड़के वाले आ गए क्या? उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, उन्हें लेने लोग स्टेशन गए हैं। लीजिए। ये क्या है? ये रिश्ता पक्का हो जाए इसलिए मंदिर से अर्चना करवाकर प्रसाद लाया हूँ। इसे आपके परिवार से बहुत प्यार है। प्यार परिवार से नहीं जी, मेरी दूसरी बेटी से है। बड़ी लड़की की शादी हो जाए तभी तो दूसरी की शादी कर सकेंगे ना। क्या ये सब इन्हें बताना जरूरी था? सारा गांव जानता है ये बात, इसको पता नहीं था बता दिया। ऐसी बात नहीं है ससुर जी। मुझे ससुर मत कहो, कितनी बार बोला बेटी को तुम पसंद नहीं फिर ससुर क्यों बोलते हो? लड़कों वालों को लाने के लिए मैंने अपनी कार भेजी। थैंक यू दामाद जी, अब मान गए। क्यों जी, बाबू को खाना खिला दिया? हाँ, खिलाया भी, हजम भी हो गया। इतनी जल्दी आके देख लो। ओ, ये बात है। अच्छा जल्दी धुलाकर कपड़ा बदल दो, लड़के वाले देखें तो क्या सोचेंगे। जल्दी हम ऐसा ये सब मुझे ही करना होगा, एक दिन जरूरी तुम्हारी जमकर धुलाई करूँगा। ये क्या जीजा जी, शोलापुरी चप्पल कहा था ना ले आया। दूसरों से चप्पल लेने से संबंध बिगड़ जाते हैं ना जी। नहीं बिगड़ेगा इसलिए रख लो। 20 पैसे कुछ देना चाहिए इसलिए दिया। तुम तो दौलतमंद हो, फिर घर के दामाद होने वाले हो, बुरा नहीं माना चाहिए ना। तुम तो ऐसे ही कहते हो, तुम्हारी बहन माने तब ना। ये क्या आप शकुन है, नगाड़ा बज रहा है। नहीं नहीं ये मेरी गाड़ी की आवाज़ है। बाप रे, वो लोग आ गए। चलो जल्दी चलो। नमस्ते। नमस्ते, मैं लड़की का बाप हूँ, ये मेरा बेटा। ये मेरा बेटा है, मैं इनके फैमिली का क्लोज फ्रेंड हूँ। नमस्ते। वो आ गए। वो मेरी बेटी है। बेटे जैसा तुमने चाहा वैसे ही साड़ी पहने, बिंदी फूल लगाए, महालक्ष्मी जैसी है ना। सच है लेकिन। ए किधर ढूंढ रही हो? कहाँ? यहाँ है ना। शरब, मैं दूल्हे को ढूंढ रही हूँ। ये है ना बेटी। यू हाँ एट फिल्म डायरेक्टर हाँ ऑल्सो एन हीरो हाँ ये क्या, हर बात में हाँ हाँ एटलीस्ट या या कहना नहीं जानते हो क्या? जानता हूँ। Then talk in English. I did not expect you like this. What is this? Lungi shirt? Why not put in jeans t-shirt? Huh? You see, bitiya. Sing, sing. I only asked not to put jeans. Because this is village. The too remote. Here nobody likes jeans. Understand? Haan? तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैं इस गांव में ऊंची पढ़ाई की है मेरी बेटी ने। 8वीं क्लास, इस बार जरूर पास हो जाए। Why laughing? Nothing, nothing. The way you are talking in English, the way you are walking in sari, the way you are... बस 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 बस, बेकार में इंग्लिश में क्यों बात करनी? पहले जाके लड़की को देखो। यानी दुल्हन ये नहीं है? नहीं, ये उसकी छोटी बहन है। तो फिर दुल्हन? संभाल के। अरे ये क्या साड़ी पहने लक्ष्मी जैसी आएगी, ये सोचा था, ये तो मॉडल लक्ष्मी बन के आई है। नाम लक्ष्मी नहीं मीनाक्षी है। ओ मीनाक्षी। ठीक से चलो। लाफ। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, तो माफ कर दीजिए। घबरा क्यों रही है, कोई गलती नहीं हुई तुझसे। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफी मांग लिया ना। मैं साथ हूँ, डरो मत। हो फिसल कर गिर गई हो, उसके लिए इतना फिक्र क्यों करती हो? सॉरी, मैं कॉफी ले आती हूँ। ये मत सोचिएगा कि शगुन अच्छा नहीं है। घबराओ मत, तुम्हारी दीदी मुझे पसंद आई। ये कैसे जी, देखी हुई 2 मिनट हुए, इतने में दीदी पसंद आ गई? मैं जिस तरह की बीवी की कल्पना की थी ये वैसे ही है। कॉफी के ग्लास को ऐसे ही गिराएगी सोचा। चुप, बकबक मत करो। अरे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने दीदी को क्या देखकर पसंद किया। तुम्हारी दीदी मॉडर्न ड्रेस में भी मुझे बिल्कुल हिंदुस्तानी लड़की लगी। चलने के लिए उसे तकलीफ तो हो रही थी क्योंकि उसने ये ड्रेस पहली बार पहना है। नीचे गिरते हुए जब मैंने इसे संभाला तो मेरे स्पर्श से इसके चेहरे पर जो भाव है तो इसकी लज्जा का पता चला। इतनी छोटी सी बात के लिए जब मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे तो इसके मन की मासूमियत का पता चला। नीचे गिरे हुए ग्लासों को वैसे ही छोड़े बगैर उन्हें संभाल कर रखने की कोशिश से पता चलता है कि कितनी जिम्मेदार है। माफी मांगने के 2 अक्षरों से पता चला कि इस लड़की के अंदर कितनी मर्यादा है। जब मेरे इन बातों से तुम्हारे बहन के पांव से रंगोली जो बन रही है इसे पता चलता है कि तुम्हारी दीदी को मैं भी पसंद हूँ। कुछ मिनटों में इतना सब कुछ जान गए? ठीक है,
आधे घंटे से मुझे देख रहे हैं आप, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर तुम्हारी दीदी शांति की देवी है तो तुम हूबहू अशांति की मूरत हो। इतना ही नहीं, तुम अपनी दीदी को बहुत चाहती हो। मंदिर गीत गाइए, शहनाइयां बजाइए।